बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यास्मीन और आप देख रहे हैं डेली खाना पकाना टिप्स एंड व्लॉग। व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूं और उम्मीद करती हूं कि आप भी खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स आज हम आपसे मलका मसूर की सिंपल सी दाल पकाने का तरीका शेयर करेंगे। एक तो मसालेदार दाल पकाई जाती है और दूसरी जो है वो बिल्कुल सादा तरीके से पकाई जाती है, जो चावलों के ऊपर डाल के खाई जाती है। तो आज हम वही वाली पका रहे हैं जो चावलों पर डाल के खाई जाती है। तो दाल मैंने अच्छी तरह से साफ करके धो ली है, तो आइए पकाना शुरू करते हैं। ये मिट्टी की हांडी में मैंने 1 किलो पानी जो है गर्म कर लिया है। अब हम इसमें दाल ऐड कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल हमने ऐड कर दी है और अब हम इसमें 1 चम्मच नमक ऐड कर देंगे। 1 चम्मच लाल मिर्च और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। अब 1/2 घंटे के लिए हम फ्लेम लो कर देंगे और इसे ऊपर से ढाँप देंगे और 1/2 घंटे के लिए हम इसे पका लेंगे। लेकिन पहले हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आधे घंटे के बाद हमारी दाल जो है ये गाढ़ी हो चुकी है, तो अब हम इसे उतारेंगे और तड़का तैयार कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम पैन में 1 कप ऑयल डाल देंगे। इसको थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। ये 2 अदद मैंने मिर्चे ली हैं बड़े साइज की, इनका बीज निकाल दिया है और इनको लंबाई में काट दिया है। तो अब हम इस गर्म ऑयल में ये मिर्चे डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मिर्चे जो है हम इन्हें ब्राउन कर लेंगे। हमने लो फ्लेम पे गर्म करनी है। लो फ्लेम पे हमने मिर्चें फ्राई करनी है, बहुत ज्यादा हमने इनका कलर डार्क नहीं करना। माशाल्लाह बहुत मजे की खुशबू आ रही है। मिर्चों का कलर चेंज हो चुका है, तो हमने बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करनी, तो अब हम इन्हें उतार लेंगे। ये 3 अदद मैंने लहसुन के जवे लिए हैं और इनको बारीक बारीक लंबाई में काट लिया है। अब इसी ऑयल के अंदर हम लहसुन फ्राई कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्राउन हो चुका है तो हम इसे उतार लेंगे और मिट्टी की जो हांडी है जिसके अंदर हमने दाल पकाई है उसको दोबारा चूल्हे पे रखेंगे। अब लहसुन वाला तड़का जो है वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम फ्लेम जो है वो हाई कर देंगे और इसको अच्छी तरह से गाढ़ा कर लेंगे। 10-15 मिनट के लिए हम मजीद इसको पकाएंगे। दाल हमारी तैयार हो चुकी है, तो अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम दाल की गार्निशिंग करेंगे हरे धनिए के साथ। फ्राई की है, हम ये डाल देंगे। माशाल्लाह बहुत मजे की और बहुत ही खुशबूदार दाल तैयार हुई है। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही मजे की खुशबू आ रही है। अब हम इसे चावलों पे डालेंगे इस तरह से। जी तो व्यूअर्स माशाल्लाह माशाल्लाह आप देख सकते हैं हमारी दाल बहुत ही अच्छी बनी है। आप ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और अगली वीडियो तक हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।